हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर 2N3055 को हम कैसे चेक करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर पे। हमें इस ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए इसके पिन के बारे में पता लगाना होगा कि कौन सा पिन कहाँ पर है। तो चलिए, इसे पता लगाने के लिए हमें ट्रांजिस्टर को सीधा पकड़ते हैं। सीधा पकड़ने के लिए इसका जो दो पिन है, जो देख सकते हैं आप, ये थोड़ा ऊपर की ओर दिखेगा, तो इस टाइप से इसे पकड़ना है। इसके बारे में पता लगाने के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो पिन है, दो पिन, ये ठीक इसके सेंटर पे नहीं होके थोड़ा ऊपर की ओर है। ये एकदम आप देख सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, जब हम इस ट्रांजिस्टर को इस तरह से पकड़ेंगे तो इसके जो लेफ़्ट साइड में जो पिन है ये हो जाएगा बेस, और इसके जो राइट साइड में जो पिन है ये एमिटर हो जाएगा, और इसकी जो पूरी बॉडी है ये कलेक्टर है। तो चलिए, अब हम इस ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर पर चेक करते हैं और देखते हैं इसमें कितना रेंज बताता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ दो ट्रांजिस्टर को चेक किया है और दोनों ही ट्रांजिस्टर ठीक है, क्योंकि मैंने इसे अभी अभी मार्केट से परचेस किया है। अगर आपके पास कोई ख़राब ट्रांजिस्टर है, उसे चेक करना चाहते हैं, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। उसके चेक करने में इससे जो मैंने अभी ठीक ट्रांजिस्टर को चेक किया है उससे कुछ अलग डिफरेंट वैल्यू निकल के आएगा, यानी कि 50 से 60 या 100 से ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।